अगर हमें मक्का काटना है तो ये जो जाली है सोयाबीन वाली, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ पर नट कसे हुए हैं, ये नट लूज़ करके ये नट खुल जाएगा और ये दो नट भी खुल जाएंगे, लेकिन ये खोल के अंदर से चेंज होगा। ये इस तरफ भी ऐसी प्लेट दी रखी है और ऐसी की ऐसी प्लेट ये जाली में, जहाँ ये जाली ख़त्म हो रही है, यहाँ पर दे रखी है अंदर तरफ। तो टैंक की प्लेट खोल लेंगे, टैंक की प्लेट खोल के यहाँ से ये दो नट खोल लिए, ये एक होल दिख रहा है और एक होल ये है। जब हम इसको पलट के ऐसा डालेंगे तो जाली थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाएगी, ये नीचे की तरफ हो जाएगी। बाकी फसलों में हमें ऊँचे की तरफ रखनी पड़ती है कि थ्रेशिंग थोड़ी ज़्यादा हो। मक्का का साइज़ बड़ा रहता है तो उसको जाली को थोड़ा डाउन करके रखना पड़ता है कि रोटर ख़राब ना हो। ऐसी की ऐसी प्लेट दूसरी तरफ रहेगी। चेंज करने के लिए टैंक में प्लेट खोल लेंगे, प्लेट खोल के दिख जाता है, ये बाहर से खोल के पलट के लग जाएगी ये वाला नट, ये पूरी प्लेट पलट के जाएगी तो ये होल यहाँ आ जाएगा, तो जाली थोड़ी सी नीचे डाउन हो जाएगी। बस इतना करना है। और एक चीज़ और करनी है, फीडर में भी ऐसी प्लेट दे रखी है, ये फीडर है, ये दो नट खोल के इसको पलट दिया जाता है तो ये पूरा डमरू है अंदर, दोनों तरफ की ऐसी प्लेट दे रखी है, दोनों नट खोल के उस पलट देंगे तो ये ऊंचा हो जाएगा, पूरा डमरू ऊंचा हो जाएगा, तो इससे भुट्टा पूरा अंदर जाने लगता है। अभी उसमें नीचे गैप कम रहता है, ये नीचे गैप कम है, ये भुट्टा जाने में दिक्कत करेगा, ये पूरा की पूरी चेन थोड़ी सी ऊंची हो जाती है जब हम वो प्लेट पलटेंगे तब।